नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। कई बार कुछ ऐसी किताबों से मुलाकात हो जाती है इस कार्यक्रम में जो आपके दिमाग पे चढ़ जाती हैं। राम भक्त रंगबाज एक ऐसी ही पुस्तक है जिसे पढ़ने के बाद कई दिनों तक मन में मंथन चलता रहा। हालांकि यह पुस्तक भी मैंने एक दिन में ही खत्म की है, लेकिन इस पुस्तक का कथानक, इसकी पृष्ठभूमि, इसकी कथावस्तु, इसका शिल्प इतना उम्दा है कि यह कई दिनों तक मेरे दिमाग मानस पटल पर छाया है। और आप भी जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग पर भी यह किताब छा जाएगी। इसके लेखक हैं राकेश कायस्थ। राम भक्त रंगबाज इस पुस्तक का नाम जैसा है, यह पुस्तक अपने आप में उससे सर्वथा विपरीत है। जब मेरे पास यह पुस्तक पहुंची तो मुझे यह बताया गया कि इसमें बेहद मारक व्यंग है। मैं इसे व्यंग की पुस्तक के तौर पर ही उठाया था, लेकिन जैसे जैसे इस पुस्तक को मैं पढ़ता गया, यह अपने आप में हमारे समाज, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, हमारी मिश्रित संस्कृति, हमारे समाज की उदारता, सदाशयता से उसके वर्तमान तक, जब हम किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जब हम हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम खेल रहे हैं, जब हम दलित और ब्राह्मण खेल रहे हैं, उस पर एक गहरा व्यंग कहें या इस सामाजिक बदलाव पर बारीक नज़र कहें, जो भी कहें, लेखक उसमें कामयाब रहा है। पुस्तक की शुरुआत राम भक्त रंगबाज, सुनने से लगता है कि किसी गुंडे या दबंग का नाम होगा, लेकिन रंगबाज शब्द उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तरी भारत में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ जो व्यक्ति बहुत स्टाइलिश होता है, जिसको कहते हैं कि टसन में रहना, उस तरह का इसका नायक है। आरामगंज एक शहर है, उस कस्बा है, उस कस्बे के लोगों की मान्यता है कि भगवान राम वनगमन के समय इस रास्ते से गुजरे होंगे। हालांकि उस क्षेत्र का किसी भी रूप में कोई ताल्लुक अयोध्या, चित्रकूट या राम वनगमन पथ यात्रा से नहीं है। राम जी जिस रास्ते पर नहीं गए थे, फिर भी आरामगंज के लोगों का ये मानना है कि राम जी इस यात्रा से, इस गली से गुजरे होंगे। इसका नायक एक दर्जी है जो अपने कस्बे में बहुत ही प्रतिष्ठित है। उसकी छवि देख के कुछ लोग उसे अनिल कपूर के करीब मानते हैं, कुछ लोग उसे जैकी श्रॉफ की नज़र से देखते हैं। दो उसने दर्जी की दुकान खोल रखी है, एक में महिलाओं के कपड़े सिलता है, एक में लड़कों के कपड़े सिलता है। दोनों पर शीशे का दरवाज़ा होता है और पूरे कस्बे का वह नायक होता है। महिलाओं में उसके बारे में महिलाएं ज़्यादा चर्चा करती हैं, महिलाओं में वह ज़्यादा लोकप्रिय होता है। और किसी भी रूप में उसे कोई भी सिर्फ इसलिए नहीं नकारता है कि वह मुस्लिम है। जो नायक आरामगंज का, इस उपन्यास का नायक मुस्लिम होता है, वह ब्राह्मण परिवार में पढ़ा होता है, उसने संस्कृत की शिक्षा ली होती है और वह हर बात में राम जी की इच्छा को तरजीह देता है। वह यह मानता है, पुस्तक की शुरुआत भी उसी रूप में होती है, कि हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा में सका। यह वह समय था, 1990 का दशक था, जब राम रथ यात्रा के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा शुरू की थी, राम जन्मभूमि की मुक्ति का संकल्प लेके। वह अभियान किस रूप में बढ़ता है, कैसे उससे हिंदी भाषी क्षेत्रों में एक अलग तरह का माहौल पनपता है, ठीक उसी दौरान जब हिंदू और मुस्लिम, इस कथा का जो नायक है, मैं उसका नाम
न लेके, बल्कि यही कहूँगा कि जो राम भक्त रंगबाज है, जो कभी अपने को यह नहीं समझा कि वह मुस्लिम है, मुस्लिम मोहल्ले में उसे काफिर माना जाता था, हिंदू यह मानते थे कि हिंदुओं के इलाके में यह मुसलमान है, वह किस रूप में बदलते समाज में धीरे 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 अपने को हतोत्साहित पाता है। जो रंगबाज है वह अकेलेपन का शिकार होने लगता है। उसी दौरान एक कथा और चलती है जो दलित मोहल्ले से जुड़ी हुई है, कि दलित मोहल्ले में किस तरह सवर्ण और दलितों के बीच एक अलगाव होता है। और इस कथानक के बहाने हमारी जो मिली जुली संस्कृति है, वह नायक जो हर मुहर्रम में के जलसे में जिस तरह वह शरीक होता था, उससे कहीं ज़्यादा वह दशहरे पर जो जुलूस निकलता था उसमें शामिल होता था, उसका नृत्य, उसके तेवर, उसकी कलाकारी, उसकी अदाएं जिस रूप में थी, वह किस तरह अलग होता जाता है। और फिर उसकी आखिरी परिणति इतनी दुखद होती है कि यह पुस्तक पढ़ते हुए कई बार यह महसूस नहीं होता कि धर्म आखिर देता क्या है। इस पुस्तक में लेखक यह कहते हैं कि राम जी का पथ बहुत कठिन है। राम जिसे अपना भक्त बनाते हैं उसकी बहुत परीक्षा लेते हैं और उसे बहुत कष्ट देते हैं, और अंततः इस उपन्यास का नायक भी एक दुर्घटना कहें या घृणा कहें या हिंसा कहें, एक नासमझ अधपगले व्यक्ति की घृणा का शिकार हो जाता है। वह घृणा जिस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि जीवन क्या है, जिसे यह नहीं पता है कि जीवन कैसे जिया जाता है, वह अचानक राम भक्त रंगबाज के ऊपर जब वह करतब दिखा रहा होता है पेट्रोल छिड़क देता है और वह जल के मर जाता है। बाद में जब उसका बेटा आता है और वह 30 साल बाद, मतलब 2020 में जब यह कथानक उपन्यास में बुना गया है जिसकी भूमिका राकेश कायस्थ ने लिखी है, वह उसके बच्चे की मार्फत लिखे हैं, जो अपने पिता को यह तलाशने आता है कि आखिर वह राम के इतने बड़े भक्त क्यों हैं। वह भी तब जब वह लड़का इस देश की नागरिकता को छोड़ने का मन बना चुका है। यह पुस्तक अपने आप में एक अलहदा कृति, हिंदी साहित्य जगत में एक अलग तरह की स्थापना के साथ उपस्थित होती है। कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो कालजयी हो जाती हैं, कुछ ऐसी कृतियां होती हैं जो कालजयी हो जाती हैं, कुछ ऐसी कृतियां होती हैं जो हिंदी साहित्य में अपना स्थान अलग स्तर पर रखती हैं, चाहे वह कफन हो, राग दरबारी हो, मैला आंचल हो, गुनाहों का देवता हो, यह कृति शेखर एक जीवनी हो, यह कृति अपने आप में ऐसी ही एक कृति बन सकती है, बशर्ते आप इसे पढ़ें और समझें कि हमारी चेतना, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा समाज कितना उदार था और आज हम किस रूप में बनते जा रहे हैं। हम एक मनुष्य बन सकें, हमारे अंदर समरसता और सहजता हो, हमारे अंदर सहिष्णुता हो और अपनापे का भाव हो, इसी कामना के साथ मैं इस पुस्तक को पढ़ने का पूर्ण संस्तुति और सहमति देता हूँ। आप इसे ज़रूर खरीदें, इसे हिंद युग ने छापा है। इस उपन्यास का मूल्य भी बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 199 रुपये है। 199 रुपये में 240 पृष्ठों का यह उपन्यास निश्चित रूप से आपको कुछ सिखाएगा, कुछ बताएगा, कभी हंसाएगा, कभी रुलाएगा, लेकिन आपको अपने अंतर में झांकने के लिए विवश कर देगा। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि हम इस कार्यक्रम में विविध विषयों की पुस्तकों के साथ आपके पास उपस्थित हों, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। धन्यवाद।